हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम 8 दिसंबर 2019 को जो ये सीटेट पेपर 2 हुआ है इसका पेपर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना है जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैच प्राप्त करना, ऐसी स्थिति की क्या संभावना उत्पन्न हो सकती है। इसका जो राइट आंसर है 1, 2, 3, 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। तो फर्स्ट वाला, अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना, ये होगा। इसमें सिर्फ वो बैच या स्टार प्राप्त करने के लिए क्या कर रहा है, वो सिर्फ लोगों को खुश करने के कार्य के करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना, ये इसकी संभावना उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखिए, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन में से जो राइट इसका आंसर है वो है द्विदिशीय, यानी दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो इसमें जो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये चारों ही आंसर राइट हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो इसमें होगा, ज्ञान के सार्थक संरचना के प्रक्रिया का महत्वपूर्ण जो पहलू होगा वो होगा सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, क्योंकि जो उसमें उसको ज्ञान होगा उससे क्या करेगा, वो सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं करेगा। नेक्स्ट देखिए, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। तो बाल्यावस्था की जो अवधारणा कॉन्सेप्ट है इसका जो अभिप्राय है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। तो ये वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। जो मिडिल चाइल्डहुड होता है इसकी जो विशेषता होगी वो होगी अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। इसमें बच्चा जो है अमूर्त रूप से सोचने लगता है और वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता उसमें विकसित हो जाती है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की क्या है, द्वितीयक एजेंसी, मनोवैज्ञानिक एजेंसी, प्राथमिक एजेंसियाँ, मध्य एजेंसियाँ। तो ये क्या है, समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्कैफोल्डिंग। इसमें क्या होता है, जब एक वयस्क बच्चे के मतलब किसी काम को करने के लिए उसको हेल्प देता है तो इसमें ये होती है स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तानिया से उसका लंच साझा करने के लिए कहा कि तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ लंच साझा किया था। तो लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन क्या है, डैश अभिविन्यास प्रारूप को अवस्था पर दर्शाता है। तो ये है आदान प्रदान जो कोहलबर्ग ने दिया था, आदान प्रदान, और ये है परंपरागत, इसका राइट आंसर होगा परंपरागत अवस्था है। इसमें क्या होता है, बच्चा एक दूसरे से क्या करता है, आदान प्रदान द्वारा उसका विकास होता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। जो समाज में जेंडर के मतलब लिंग के आधार, सेक्स के आधार पर जो प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जो जन सामान्य की अवधारणाएँ हैं उनको हम जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं, जिसमें हम लड़का और लड़की में भेद करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में पाठ्य चर्चा में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है, यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है। तो ये वाला जो कदम है, ये इसका ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल राइट आंसर, कि यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, हार्वर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं
हो सकती है। अगर उसके अंदर तार्किक गणितीय बुद्धि है तो उसमें क्या होगा, इसका जो सबसे राइट आंसर है वो है पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। तो जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार ये होती है उसकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब है क्वेश्चन नंबर 14, डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो ये किसके अनुसार है, जो सामाजिक प्रक्रिया और सांस्कृतिक संबंध जो दिया था ये लेवाइगोस्की के द्वारा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए, जो 6 से 8 का जो शिक्षक होगा उसको क्या करना चाहिए। तो चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर है, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है 16, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। सतत व समग्र जो मूल्यांकन होता है इसमें विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक व संकलात्मक आकलन का प्रयोग होता है, तो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है उसे क्या कहा जाता है। तो इसको हम कहेंगे सामाजिकरण, जिसके द्वारा बच्चे के अंदर क्या होता है, आदत, कौशल और मूल्य अभिप्रेरणा विकसित होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही। अगर आनुवंशिकता और पर्यावरण के बारे में बात हो रही है तो कौन सा 1, 2, 3, 4 में से जो ऑप्शन सबसे राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 19, एक प्रगतिशील कक्षा में, तो ऑप्शन देख लीजिए इसमें जो सबसे राइट आंसर है वो है शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 में, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं, इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादिता आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए। तो इसमें विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानी एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए ताकि वो क्या करे, इस रूढ़िवादिता को खत्म कर सके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। जो समावेशी कक्षा होगी वहाँ पर किस तरह के बच्चे होंगे, सभी प्रकार के छात्र होंगे, तो यहाँ पर यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है, मतलब सब बच्चे के अंदर कोई ना कोई योग्यता होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है, पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों की पहचान में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने याद करने में कठिनाई, तो ये किसके सूचक हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के ये सूचक हैं, जिसको ये परेशानी होगी, पढ़ने में चिंता होगी, शब्द अक्षरों में कठिनाई होगी और समझने में और याद करने में उसको कठिनाई होगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 23, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना, इसका ये राइट आंसर है। अब है 24, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है। जो समावेशी कक्षा है उसमें विशेष योग्यता वाले अधिगमकर्ता हैं, तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना
ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। जो शिक्षिका है वो सृजनात्मक विद्यार्थियों को कैसे प्रोत्साहित करेगी, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देके। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। तो कौन सा कारक सार्थक अधिगम का पक्ष लेगा, इसमें देखिए विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना जो होगा, यही सार्थक अधिगम का पक्ष ले रहा है, अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। नेक्स्ट देखिए 27। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूति सिद्धांत की रचना करते हैं, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन देखिए 1, 2, 3, 4 में से जो सबसे राइट आंसर है वो है संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। तो जो 2 ऑप्शन है यही राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है, प्रभावशाली नहीं है मतलब। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, बार बार मतलब उसको रटने पर जोर नहीं दिया जाएगा। तो फर्स्ट वाला आंसर इसका राइट है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं। जो बच्चे कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इसमें जो राइट आंसर है उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके, वो टीचर जानने की कोशिश करेगा कि उनका पढ़ने में ध्यान क्यों नहीं लग रहा है। अब है क्वेश्चन नंबर 30 और फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए अब जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है। संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इसके लिए क्या होगा, टीचर को सबसे पहले जो जानना चाहिए वो है विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, की जिस टॉपिक को टीचर पढ़ाना चाह रहा है उसके संबंध में विद्यार्थी को पहले से कितना आता है। तो ये वाला आंसर ऑप्शन इसका राइट आंसर है, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। तो फ्रेंड्स ये था सीटेट पेपर 2 का, हमने इसको सॉल्व किया है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दें।